आज पांचवी क्लास की हिंदी चैप्टर टू जो विषय है सादगी की ओर। तो सादगी की ओर मतलब सादा जीवन जाओ, सरल जीवन जाओ, जो कि गांधी जी के जीवन से जुड़ा है। गांधी जी अपने रहन सहन को कैसे सरल बनाया, कैसे सादा बनाया, जो कैसे सादगी की ओर ले चले, उसी पर ये विषय आधारित है। सो गांधी जी, आप लोग जानते हैं बच्चे, गांधी जी बिलेट गए थे पढ़ने के लिए, वेरी स्टेट, जिसे हम वकालत कहते हैं। सो कई ये ना समझे कि बिलायत के नाच आदि के मेरे पैर मेरी स्वच्छता के युग को सूचित करते हैं। तो पाठक जो पढ़ते हैं ध्यान से देखने से उसमें कुछ विचारक मिलेगा। कैसा विचारक? इस मोहकाल में ये माया का संसार है, मोह का संसार है। इस मोह काल में भी, इस मोह का संसार में भी गांधी जी कुछ अंश तक सावधान थे। कैसे? वे पाई पाई का हिसाब रखते थे, कहां खर्च किए, क्यों खर्च किए, कितने खर्च किए, कितने बचत हुआ, ये सारे के सारे वे हिसाब रखते थे। और खर्च का अंदाज निश्चित था कि महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च ना हो। कहा? विलय। जैसे कि बस का किराया और डाक का खर्च, जो घर में चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, तब तो चिट्ठी भेजने के माध्यम थे, अभी तो नहीं है। अभी सबके हाथ में मोबाइल हो चुका है, जो भी बात करते हैं मोबाइल से करते हैं। तो तब जो डाक खर्च होता था वो अलग होता था। तो बस का किराया और डाक खर्च वो भी हमेशा लिखा करते थे, और सोने से पहले हमेशा अपने रूप पर जो पैसा बचा हुआ पैसा को मिला लेते थे कि सही है कि नहीं। और ये आदत उनको अंत तक कायम रही, आखिर तक ये आदत उनको था। तो वे समझते कि इसी कारण जो सार्वजनिक जीवन में उनको हाथ लाखों रुपया उलट पर होने पर भी वो और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, अपना काम आराम से निकल लिया। और जितने आंदोलन उनके देखरेख में चले, कई आंदोलन किए उन्होंने, उन आंदोलन उनके देखरेख में चलता था, उनका खर्च वगैरह वगैरह सब कुछ गांधी जी देखभाल करते थे। तो उन आंदोलन के लिए जो पैसा इकट्ठा होता था और जितना खर्च होता था, उस खर्च के लिए उन्हें कभी कर्ज नहीं करना पड़ा, बल्कि हरेक में और हरेक आंदोलन में कुछ ना कुछ बचत होगा। तो गांधी जी जब बिलाते थे, उन्होंने क्या किए, खर्च आधा कर डालने का विचार किया कि किस माध्यम से, किस तरह से ये खर्च आधा कर सकते हैं। सादा सीधा जीवन जापन बिताना आपको कष्ट महसूस लगेगा, पर बहुत आसान है। एक बार अगर आपको आदत हो जाए
तो जिंदगी संभाल जाएगी। तो वो अपने खर्च को आधा करने के लिए उनका जो खर्च का जो हिसाब था पाई पाई का वो गौर से देखा, और गौर से देखने के बाद मालूम हुआ कि गाड़ी भाड़े पर जो गाड़ी का किराया होता है, बस का किराया होता है, उसमें काफी खर्च बैठता था, बहुत खर्च होते थे। फिर एक कुटुंब के साथ रहने से, आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त वगैरह रहे तो उनके लिए कुछ ना कुछ खर्च प्रति सप्ताह हो ही जाता था। इसलिए कुटुंब के साथ या अपने दोस्तों के साथ रहना छोड़कर अलग कमरा लेकर रहने का उन्होंने निश्चय किया। और ये भी तय किया कि काम के अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्ले में घर लेने चाहिए। घर ऐसी जगह पसंद किया जहां से काम के स्थान पर आधे घंटे में पैदल चलकर वो पहुंच सके और गाड़ी भाड़ा भी बच जाए। जहां ऑफिस जहां काम है उस काम के पास अगर किराया लिया जाए कोई भी घर, तो गाड़ी भाड़ा यूं ही बच जाएगा। और इससे पहले आने के लिए एक तो गाड़ी भाड़ा खर्च करना पड़ता, और दूसरे घूमने जाने के लिए अलग वक्त निकलना पड़ता। यानी कि पैदल चलने से उनका घूमने का काम भी हो गया और गाड़ी भाड़ा भी बच गया। तो आप काम से जाने में ही घुमाई का काम भी पूरा होने लगा। और इस योजना की बदौलत 8-10 मील वे शहर जी घूम कर जाते थे। सोचो कितना दूर वो जाते थे पैदल, 8-10 मील। अभी के युग के जो बच्चे हैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलने से बोलते पैर देखते हैं, मैं यार चल नहीं पाता। पर उस वक्त गांधी जी 8-10 मील पैदल चलकर ऑफिस जाया आया करते थे। और विशेषतः एक ऐसी आदत के कारण शायद ही बीमार पड़ होऊंगा उन्होंने सोचा, पर मेरा शरीर ठीक कस गया था, मेरा मतलब गांधी जी का शरीर कस भी गया था, कुटुंब के साथ रहना छोड़कर 2 कमरे किराया पर लिए, एक सोने के लिए और एक उठने बैठने के लिए। यह परिवर्तन का दूसरा काम था। और तीसरा परिवर्तन अभी आगे आने वाला है, क्या है ना, इस तरह गांधी जी क्या किए, उन्होंने आधा खर्च बचा लिया। जो घूमने फिरने का वक्त था, अलग से वक्त निकलना पड़ता था, वो अब नहीं निकलना पड़ रहा है। दूसरा, जो बस में जाया करते थे वो बस का किराया भी बच गया। तो बस का किराया बचने से उनका आधा खर्च बच गया पर समय। वे जाते थे कि बैरिस्टरी जो परीक्षा है वो परीक्षा के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए वे बेफिक्र था, बिना टेंशन के था, कोई चिंता उनके मन में नहीं थी कि ज्यादा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर उनके जो कच्ची अंग्रेजी थी, अंग्रेजी थोड़ा कम जानते थे, वो उनको खला करती, मतलब उन्हें चिंता में डाला करती थी, इसके लिए वो चिंता में थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बैरिस्टर होने के अतिरिक्त उन्हें कुछ और अध्ययन या पढ़ाई करना चाहिए। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कोर्स का पता लगाया जो विलेत में है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है ना, तो उनको पता लगाया। और कितने ही मित्रों से उन्होंने मिले, देखा कि वहां जाने से खर्च जो है बहुत पड़ेगा। और पाठ्यक्रम जो था, पढ़ाई जो था, बहुत लंबा था।
और वे 3 वर्ष से ज्यादा वहां रह नहीं सकते थे। तो एक मित्र ने कहा, यदि तुम्हें कोई कठिन परीक्षा देनी हो तो लंदन की मैट्रिकुलेशन जो हो पास कर लो। मैट्रिकुलेशन हमारे यहां जो 10वीं कक्षा के, तो मैट्रिकुलेशन पास कर लो, उसमें परिश्रम काफी करना पड़ेगा पर सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज होता है, बिलेट की जो मैट्रिकुलेशन है वो परीक्षा देने में जो अंग्रेजी में जो कच्चा है वो तो 100% पूर्ण होगा, उसके साथ उनका जो सामान्य ज्ञान है, जो जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ेगा और खर्च भी बिल्कुल ना होगा। तो ये राय, ये बात गांधी जी को पसंद आया। पर परीक्षा की जो सूची थी वो देखकर गांधी जी घबरा गए। क्यों ना, उसमें लैटिन और एक दूसरी भाषा वो अनिवार्य था, निश्चित था। मतलब दूसरी भाषा को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें लैटिन भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो कानूनी जानने के लिए लैटिन पढ़ना अनिवार्य है और वकील के लिए लैटिन का बड़ा उपयोग भी होता है। लैटिन जानने वाले को कानूनी पुस्तक समझने में जो सहूलियत होती है, मतलब आसान होता है। फिर रोमन लॉ की जो परीक्षा होती है, उस रोमन लॉ की, ला मतलब वकालत, रोमन लॉ की परीक्षा में एक जो प्रश्न पत्र आता है वो पूरा लैटिन भाषा में ही आता है। तो लैटिन जानने से या लैटिन भाषा जानने से अंग्रेजी भाषा पर अधिकार भी बढ़ता है। तो गांधी जी पर इन बातों का असर हुआ कि सही बात, अगर मैं लैटिन भाषा को सही तरह से सीख लूं तो वकालत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे अंग्रेजी भाषा जानने में भी कोई दिक्कत नहीं। यूं तो वो अंग्रेजी में थोड़ा कच्चा है। तो उन्होंने निश्चय किया और एक जो व्यक्तिगत चलने वाली मैट्रिकुलेशन क्लास में जो हुआ उन्होंने भर्ती हुआ। परीक्षा हर 6 महीने होती थी पर उनके पास मुश्किल से 5 महीने का समय था जो कि गांधी जी के बूते के बाहर था। नतीजा ये हुआ कि कहां तो मैं सभ्य बनने चले थे, गांधी जी सभ्य बनने चले थे और वही अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गए। मतलब पढ़ाई में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कष्ट किए, जिसके लिए उन्होंने टाइम टेबल बनाया, एक एक मिनट को बचाया। पर उनके जो स्मरण शक्ति, उनके जो बुद्धि ऐसी ना थी कि दूसरे विषय के उपरांत लैटिन और फ्रेंच के संभाल सके। तो इम्तिहान में बैठने पर इम्तिहान दिए, परीक्षा हुआ, है ना। परीक्षा में क्या हुआ, वो जो लैटिन भाषा था वो लैटिन में फेल हो गया। इसमें उनको दुख तो हुआ पर हिम्मत नहीं हारी। लैटिन में मजा आने लगा था, सोचा कि फ्रेंच ज्यादा मजबूत हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय भी ले लेंगे जैसे कि रसायन शास्त्र, जिसमें मैं देखता हूं कि खूब मन लगाना चाहिए। तो प्रयोग के अभाव से उन्हें अच्छा ही लगा, देश में ये विषय उनके पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में था, इसलिए लंदन के मैट्रिक के लिए भी इसी को पसंद किया। और ईश्वर क्या क्या, प्रकाश और उष्णता, जिसे हम लाइट एंड हीट कहते हैं, वो प्रकाश और उष्णता के जो विषय वस्तु उन्होंने ले लिया।
ये विषय आसान समझा जाता था और उनको भी आसान मालूम हुआ। फिर परीक्षा देने के तैयारी के साथ रहन सहन में और भी सादगी लाने की कोशिश की, और भी सादगी और कैसे सरल जीवन यापन किया जाए वही कोशिश उनको जारी रही। और उन्हें लगा कि अभी उनके जीवन में इतनी सादगी या सरल जीवन यापन नहीं आई है जो मेरे परिवार की गरीबी के अनुकूल हो। उनके जो भाई साहब की जो तंग दृष्टि मतलब धन का अभाव, हाथों में पैसा ना होना, तो भाई साहब की जो तंग दृष्टि है उधर तक के ख्याल उनको मन में आते ही उनको बहुत कष्ट होता था। सो 10-15 पौंड मासिक खर्च करने वालों को छात्रवृत्तियां मिलती थी, अपने से अधिक सादगी से रहने वालों को मैं देखता था, मतलब गांधी जी से भी अधिक सादा अधिक सरल जीवन जीवन बिताने वाले बच्चे भी वहीं पे थे और उन्हें वो देखते थे, फॉलो करते थे। ऐसे गरीब विद्यार्थी काफी तादाद में उनके संपर्क में आते थे। एक विद्यार्थी लंदन के गरीब मोहल्ले में प्रति सप्ताह 2 शिलिंग देकर एक कटरी में रहता था और सस्ती कोको, कोको मतलब हम लोग जो यहाँ पीते हैं ड्रिंक्स, वन टाइप ऑफ ड्रिंक्स हम यहाँ पीते कैसे, जैसे चाय वही कोको, और दुकान में 2 पैनी का कोको और रोटी खाकर वो गुजारा करता था, वो साधारण बच्चा, वो गरीब बच्चा। तो उसकी बराबरी करने के गांधी जी को हिम्मत नहीं हुई कि कोको और रोटी खा के जीवन बिताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर इतना अवश्य समझा कि 2 के बजाय 1 कमरे में गुजर कर सकते हैं, गुजर जा सकते हैं। 2 का कमरा थे उनके, एक रहन सहन की, एक उठने बैठने की, है ना, और आधी रसोई हाथ से भी पका सकता है। गांधी जी ने सोचा कि 2 जो कमरा लिया उस कम 2 कमरे के बदले 1 कमरा ले लेता हूं और खाना भी हाथ से पका लेता हूं, तभी और कुछ पैसा बच जाएगा। तो ऐसा करने से गांधी जी का 4-5 पौंड और भी बच सकता है, रह सकता है। शादी रहन सहन संबंधी पुस्तक भी उन्होंने पढ़े। 2 कमरे छोड़कर 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर 1 कमरा भी उन्होंने लिया, 1 स्टोव खरीदा और सवेरे का खाना हाथों से पकाने लगे, खुद पकाए। पकाने में 20 मिनट लगते थे, उससे ज्यादा नहीं लगते थे। जो का दलिया और कोको के लिए पानी उबलने में कितना समय लगता, तो 2 पर को बाहर कहीं खा लेते थे और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खाते थे। यूं 1 या 1.25 शिलिंग में रोज खाना पीना हो जाता था। तो उनका जो समय था अधिक से अधिक पढ़ाई का था, तो सुबह उठकर खाना बनाते थे, जौ का दलिया बनाते थे, फिर कोको बनाते थे, वही खाते थे, 2 पर को कहीं बाहर जाकर खाते थे, फिर शाम को क्या करते थे, फिर से कोको बनाते थे और रोटी के साथ खाते थे। और उनका जो पढ़ाई का समय, वो पढ़ाई का समय अधिक से अधिक पढ़ाई का था। जीवन सादा हो जाने से समय ज्यादा बचने लगा, तो दूसरी बार जो इम्तिहान दिया मन लगा के पढ़े, ध्यान से पढ़े, और दूसरी बार जब इम्तिहान दिए तो इम्तिहान में पास हो गए, उनको सफलता मिले। तो बच्चे ये ना समझे कि सादगी जीवन से या सादगी जीवन बिताने से जीवन में निराशा आ जाता है। अब जितने सरल जीवन जपन बिताओगे आपको उतने वक्त मिलेगा, पढ़ाई के लिए समय मिलेगा,
पढ़ाई का आपका जो वक्त ये यही सही वक्त है, ये वक्त आगे चल जाएंगे फिर आप ढूंढने से भी नहीं पाओगे। तो उल्टे इन परिवर्तन से गांधी जी की जो बाहर और भीतर की स्थिति में जो थे एकता आ गई, आपको भी आएगा। घर की स्थिति के साथ मेरे रहन सहन का सद गया, एक जैसे हो गया। घर की स्थिति हालात भी इतनी अच्छी नहीं थी और उनका रहन सहन भी पूरा सादा था, नॉर्मल था, पूरा सरल था, तो एक जैसा हो गया और जीवन अधिक सारयुक्त हो गए। मन में आनंद का सीमा ना रही, क्यों? क्योंकि वो पूरा नॉर्मल जीवन, जैसे सादा सरल जीवन जापन निभाने का कोशिश करते, और सादा जीवन जापन बीतना कोई कष्ट की बात नहीं है, ये तो आसान है। आप लोग भी कोशिश करें सादा जीवन जापन बिताए, पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, कभी भी असफल नहीं होंगे। सफल आपके चरण में आके चुमेगा। तो गांधी जी इस पाठ से हमें ये प्रेरणा देती है कि अपने जीवन को सरल बनाओ, अपने जीवन को सादगी की ओर ले चलो। इसमें आनंद ही आनंद है, दुख का तो कोई बात ही नहीं है।